ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल यहाँ पे लग रहा है, क्या देखूं क्या ना देखूं। गाइज वेलकम बैक ऑन माई यूट्यूब चैनल प्रियांक 1909। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड मेरी वीडियो को खूब सारा प्यार दे रहे होंगे। तो आज हम जा रहे हैं गोल्ड सुख, और गोल्ड सुख हमें कैसे जाना है ये बताएंगे ये। तो यहाँ जो हमारा नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है सराफा डीजी, वहाँ से डायरेक्ट मेट्रो मिलने वाला है। गोल्ड सुख करके एक स्टेशन है, उसी स्टेशन पर हम जाएंगे। तो हम देखते हैं आगे आगे हमें कहाँ पे बस लेना पड़ेगा या फिर नहीं लेना पड़ेगा या फिर डायरेक्ट हम जा सकते हैं, वो हम आपको ये वीडियो के थ्रू बताएंगे। और ये भी दिखाते हैं कि कैसा है गोल्ड सुख। मैं मोस्टली इस जगह के लिए ज़्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि यू नो गर्ल्स ऑलवेज लव गोल्ड। तो हम देखते हैं वहाँ पर कैसा लगता है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हम बाहर आ चुके हैं, और बाहर आके हमें पता चला है कि गोल्ड सुख के लिए यहाँ से कोई डायरेक्ट बस से बेहतर है कि आप मेट्रो स्टेशन पर जाएँ, और सराफा डीजी से जो इतेसलात के एंड पे जो मेट्रो जा रहा है उसे हम लेकर के डायरेक्ट गोल्ड सुख जो मेट्रो स्टेशन है वहाँ पे उतर के गोल्ड सुख जा सकते हैं। तो ये देखिए हमारे इजी का मेट्रो स्टेशन आपको दिख रहा होगा, उसका एंट्रेंस थोड़ा और पास जाएंगे तो क्लियरली दिखेगा। हम पहुंच गए गोल्ड सुख। गोल्ड सुख में कई गेट हैं, आप किसी भी गेट से एंट्री और एग्जिट ले सकते हैं। हम गेट नंबर 3 से एंट्री लिए हैं। आप अंदर जाएंगे वैसे ही आपको कई सारी दुकानें देखने को मिलेंगी, और इतने डिजाइंस देखने को मिलेंगे लगेगा कि कहाँ रुकूँ कहाँ देखूँ कहाँ जाऊँ ऐसा फील होगा। इतने अच्छे अच्छे डिजाइंस वो लोग लगाए हुए हैं स्क्रीन पर। कई लोग तो बस गोल्ड सुख देखने आते हैं और फोटो क्लिक करा के चले जाते हैं, क्योंकि इतनी अच्छी अच्छी डिजाइंस यहाँ देखने को मिलती है। गोल्ड की ड्रेसेस देखने को मिल जाती है, और कई लोग सच में गोल्ड खरीदने आते हैं। लेकिन हम देखने गए थे कि क्या सच में यहाँ पे 0% मेकिंग चार्ज है और इंडिया से कितना कम है। तो मैं भी कहीं ना कहीं डिजाइंस देख के थोड़ा अट्रैक्ट हो ही जा रही थी, मन कर रहा था सब कुछ लेके चली ही जाऊँ। जाके पता चला कि मेकिंग चार्ज ऐसा नहीं है कि लगाते ही नहीं है ये लोग, या फिर 0-2% ही लगाते हैं। आप जितना कम ग्राम का सोना लोगे उसमें उतना मेकिंग चार्ज है, और अगर फैंसी चीज़ें आप ले रहे हैं गोल्ड की तो उसमें और ज़्यादा मेकिंग चार्ज है। और इंडिया से बहुत ज़्यादा फ़र्क तो था नहीं प्राइस में, ज़्यादा से ज़्यादा 4,000-5,000 रुपये का फ़र्क था जब इंडिया के रेट से जब मैं गई थी वहाँ पर। वहाँ पे भी कई दुकानें हैं इंडिया के जैसा, आपको ढूंढना पड़ेगा कि कोई मेकिंग चार्ज बहुत ज़्यादा लगा रहा है, कोई मेकिंग चार्ज थोड़ा कम लगा रहा है। उसी बीच ढूंढते ढूंढते हमें ये बिगेस्ट रिंग मिला जो फ्रॉक 64 kg का है। अगर सच में बात करें कि किन चीज़ों में सच में ये लोग 0% मेकिंग चार्ज ही लगाते हैं, तो ऐसी चीज़ें जो बिल्कुल प्लेन हो, कोई डिज़ाइन नहीं, लाइक कोई चेन ले लो आप गोल्ड चेन, उसमें ये लोग 0% मेकिंग चार्ज लगाते हैं। तो हमें एक शॉप मिला था वहाँ पे ऑल आइटम 0 मेकिंग चार्ज ऐसा लिखा हुआ था, पर वो सब में नहीं था, ये बस प्लेन चेन में था। और यहाँ पे किन लोगों को फ़ायदा होगा गोल्ड लेने से, जैसे जिनको बड़े डिमांड में जो ज्वेलर्स होते हैं वो लोग लेने आते हैं, तो उन लोगों को थोड़ा फ़ायदा होता होगा। अगर हमें एक दो चीज़ लेना है तो ज़्यादा फ़ायदा होता नहीं है इंडिया के हिसाब से। तो आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आया होगा। थैंक यू।